चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा मेरे को प्यारा। सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी लोग का एक मजेदार वीडियो में। तो आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी प्यारी सी सर्वाइवल सीरीज को, और आज हम बनाने वाले हैं मेरे फेवरेट फार्म यानी सुगर कैन फार्म। यस, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, जायंट सुगर कैन फार्म, समझ रहे हो ना। और इस फार्म को बनाने में हमें सहयोगी बहुत सारे रिसोर्सेस एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रेड स्टोन, जो कि मुझे अभी तक एक भी नहीं मिला। तो मुझे अभी माइनिंग पे जाना पड़ेगा, उसके बाद हमें बहुत से चीज़ों की जुगाड़ लगाना पड़ेगा, उसके बाद जाके हम अपनी फार्म को बनाएंगे। और हाँ, थंबनेल में मैंने जो फार्म बनाया दिखाया है ना, वही फार्म बनाएंगे। मैं क्लिकबेट नहीं करता हूँ, तुम्हें अच्छे से पता ही है चीज। तो यस, हम फार्म बनाएंगे, लेकिन उससे पहले ना थोड़ा सा फसल काट लेते गाइस, लेट्स गो। ओके, तो गाइस फसल अब हमने काट ली है, अभी हम फार्म बनाना स्टार्ट करते, नहीं फार्म बनाना स्टार्ट नहीं करते, हम अभी मैं माइनिंग पे जाने वाला हूँ। आप लोग एंजॉय करो एक छोटे से माइनिंग मोंटेज को, लेट्स गो। हाँ, हमें मिल चुका है एक डायमंड, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि मैं गया था सिर्फ रेडस्टोन माइन करने के लिए। और ये लेफिस लेजुली भी मिला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बाद में इंसानमेंट करने का काम आएगा। लेकिन गाइस, अभी भी मुझे एक चीज की ज़रूरत है, और वो है मकरू भाई का जाला यानी स्ट्रिंग। तो इसीलिए हम रात होने का इंतज़ार करते हैं, तब तक हम थोड़ा सा उछल कूद कर लेते हैं। ओके, तो गाइस रात भी हो चुका है और बारिश भी आ रहा है, कटाई फुटिया भाई चल रहा है। और हाँ, मैंने गेम को हार्ड मोड में कर दिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मॉब्स स्पॉन हो ऑब्वियसली। आप चलो गाइस फाइट शुरू करते हैं, आप लोग एंजॉय करो इस फुटिया मॉन्टेज को, कटाई तरा के रख दूंगा आज। तो अभी आप लोगों ने जो मॉन्टेज देखा और सुना, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। खैर गाइस, वो सब सोरो, सच बताना डर लगा था ना। मुझे पूरा यकीन है अगर किसी ने फुल वॉल्यूम में सुना है भाई उसका तो मज़ा आ गया भाई, डरा के तुम लोगों को। अच्छा था, अच्छा था ये यार। अगर सच में बताना कमेंट में, अगर ये मतलब मॉन्टेज अच्छा लगा तो।
और बात यार इस माउंटेंस के चक्कर में कितना कुछ नुकसान हो गया मुझे। खैर कोई बात नहीं यार, चलेगा इतना, मुझे फिर से सब कुछ रिपेयर भी करना पड़ेगा। खैर गाइस जो सब सोरो, अभी हम अपना फार्म बनाना स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को मैं ट्यूटोरियल भी दूंगा, तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। चलो ओके, तो अब हम फार्म बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके तो गाइस सबसे पहले आपको 10 ब्लॉक्स लेना है, 10 ब्लॉक्स लेना है और ऐसे लाइन पे लगाना है इनको, ठीक है 10 ब्लॉक्स को। फिर इसके आगे के 2 ब्लॉक्स करके 10 ब्लॉक्स आपको निकाल देना है। फिर यहाँ पर सेस प्लेस करने के लिए एक छोटा सा होल क्रिएट करना है, बेसिकली गड्ढा बनाना है। फिर इस लाइन में 10 सेंड प्लेस करो। फिर इस वाले लाइन को एक ब्लॉक और नीचे तक डिग करो। फिर यहाँ पर चेस्ट प्लेस करो, यहाँ पर होपर लगाओ। ध्यान रखना चेस्ट के साथ अटैच होना चाहिए होपर्स। फिर क्राउच होकर होपर के ऊपर वाटर प्लेस करो। फिर चेस्ट के ऊपर क्राउच होकर 2 ग्लास लगाओ। देन सेन के ऊपर शुगर कैन लगाओ। फिर मैं जैसे लगा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम पिस्टन लगाओ, और पिस्टन के ऊपर पीछे की तरफ से ऑब्जर्वर लगाओ। ऑब्जर्वर का जो फेस है वो शुगर कैन की तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, मतलब आगे की तरफ। 2000 years later. ओके तो गाइस होपर बनाने के लिए आयरन की कमी पड़ रहा था, तो इसलिए मैं माइनिंग पे आ गया था और देखो मुझे क्या मिला, डायमंड। लिटरली मुझे 2 डायमंड मिल गया, किस्मत देख रहे हो। ओके तो गाइस हमारा शुगर कैन फार्म बन चुका है, मैंने सेम प्रोसेस ऊपर भी किया है, आप लोग भी ऐसे कर देना, मतलब हमने नीचे जो अभी बनाया वही सेम चीज़ ऊपर भी बना देना। और डिज़ाइन करने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है, ये है एंट्रेंस। ओके तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।